हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल। फाइनली इन्फिनिक्स ने जीरो 5G 2023 टर्बो एडिशन को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इस फोन को मैं तकरीबन कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ। कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, अनबॉक्सिंग से लेकर सारी चीजें मैं आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को प्यार से लाइक करके शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहिए, और हो सके तो चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए, सो लेट्स बिगिन। इन्फिनिक्स जीरो 5G ये बेसिकली स्पेशल एडिशन फोन है। इन रिसेंट टाइम इन्फिनिक्स कुछ अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। बहुत बड़ा बॉक्स है, ये क्वांटम मेनिया मूवी आने वाला है, शायद उसके ये कार्ड है। नाइस, एंटमैन के अगर आप फैन होंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत पसंद आएगी। बॉटल फ्लास्क भी दिया हुआ है, दिस इज अ गुड क्वालिटी। मार्वल स्टूडियो के साथ शायद उनकी पार्टनरशिप हुई है। फाइनली ये है फोन, लेट्स ओपन द बॉक्स। दिस इज द इन्फिनिक्स जीरो 5G 2023 टर्बो। 20,000 के नीचे की प्राइस सेगमेंट में आई थिंक ये पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जहां पर डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर ऑफर किया गया है। 33 वॉट चार्जर, USB टाइप सी टू टाइप ए केबल, डॉक्यूमेंटेशन, सिम इजेक्टर टूल, केस डिसेंट क्वालिटी केस। लेट्स सी द फोन। इस फोन का जो लुक है वो थोड़ा यूनिक और डिफरेंट है। वेगन लेदर फिनिश है, दिस इज अ फील सो गुड। इन हैंड फीलिंग बहुत ही अच्छी है। ये सेंटर में जो फ्रेम है वो है रोज गोल्ड, वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। बॉटम साइड पर 3.5mm ऑडियो जैक, माइक, USB टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड पर पावर ऑन ऑफ की, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड वॉल्यूम रॉकर बटन। लेफ्ट साइड पर सिम कार्ड ट्रे, इंटरेस्टिंग ड्यूअल सिम के साथ मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, 20,000 के नीचे की प्राइस पॉइंट पर 256GB इंटरनल स्टोरेज एंड 8GB रैम एंड डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट। दिस इज अ यूनिक फीचर इन रिसेंट टाइम। फ्रंट साइड पर एनर्जी ग्लास की प्रोटेक्शन है और पहले से ही स्क्रैच गार्ड लगा हुआ है। फोन का जो वेट है 202 ग्राम, लेकिन हाथ में ये फोन बिल्कुल भी भारी महसूस नहीं होता। 6.7 इंच की फुल HD प्लस LTPS डिस्प्ले जो कि LCD डिस्प्ले से बेटर है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट, 500 निट्स ब्राइटनेस। मल्टीमीडिया कंटेंट आप अच्छे से यहां पर एंजॉय कर पाओगे। कलर अच्छे निकल के आते हैं, व्यूइंग एंगल गुड नॉट बैड। कोई भी कंटेंट आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। आउटडोर कंडीशन में डिस्प्ले की ब्राइटनेस कैसी है वो भी आप देख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप फोन को लेके जाओगे तो थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की वजह से फोन काफी स्मूथ तरीके से परफॉर्म करता है, जिसे आप 60 हर्ट्ज पर भी स्विच कर सकते हैं। ये फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पर आता है जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है। आज की डेट में 30,000 से भी नीचे की प्राइस रेंज में ऐसे फोन हैं जो डायमेंसिटी 1080 पर आते हैं, लेकिन ये फोन में डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर 20,000 से नीचे की प्राइस रेंज में ऑफर किया गया है, जो कि काफी अच्छी चीज है। सेकंड गुड थिंग, 8GB रैम LPDDR4X, 256GB इंटरनल स्टोरेज UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। 4.5 लाख के आसपास इसका एंटू स्कोर आता है। गेमिंग आप आराम से हाईएस्ट सेटिंग पे कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है और डे टू डे यूसेज में तो ये फोन बिल्कुल मक्खन की तरह परफॉर्म करता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है और इन्फिनिक्स का स्किन XOS, जिसके अंदर काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है जो हमने ऑलरेडी पहले भी कई स्मार्टफोन में देखा है। वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी है, 8GB रैम प्लस 5GB वर्चुअल रैम, 13GB रैम तक आपको सपोर्ट मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। इसी के साथ सारे बेसिक सेंसर यहां पर ऑफर किए गए हैं। 5000mAh की बैटरी इस फोन में ऑफर की गई है और 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। हैवी यूसेज में मुझे एक दिन का बैटरी बैकअप इजिली मिला है और मॉडरेट यूसेज में 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये एक 5G स्मार्टफोन है और 12 5G बैंड का यहां पर आपको सपोर्ट दिया है। Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Dual 4G VoLTE, तो ये सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शन यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। Widevine L1 का सपोर्ट भी है, जिसकी वजह से आप HD स्ट्रीमिंग भी कर पाओगे और FM रेडियो का सपोर्ट भी है। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो रियर साइड पर 50MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर है F1.6 अपर्चर के साथ। लो लाइट कंडीशन एज वेल नॉर्मल कंडीशन में काफी अच्छे फोटो निकल के आते हैं। बाकी के जो दो सेंसर हैं उसके बारे में आप जानते ही होंगे, लेजेंडरी सेंसर। ये कुछ कैमरा सैंपल हैं जो आप देख सकते हैं।
50 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा सेंसर है वो काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, ये कुछ सैंपल है जो आप देख सकते हैं। वीडियोग्राफी में 4K 30 FPS पर आप वीडियो को शूट कर सकते हैं, जो कि अंडर 20,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर काफी अच्छी ये चीज है। AI मोड भी इस फोन में ऑफर किया गया है और बाद में एडिट करने के लिए काफी सारे टूल दिए गए हैं, यानी कि पोस्ट प्रोसेसिंग पर काफी अच्छा फोकस किया गया है। प्रो मोड स्लो मोशन 960 FPS पर है, यानी कि काफी सारे एडिटिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पीकर की बात करूं तो इसमें सिंगल मोनो स्पीकर है, लाउड है, लेकिन ड्यूअल स्पीकर होते तो और भी ज्यादा अच्छा होता। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो अगर आपको एक गुड लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए, परफॉर्मेंस आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है और आपका बजट 20,000 से नीचे है तो ये फोन काफी अच्छा है। इनफैक्ट स्टोरेज भी आपको ज्यादा मिलती है, 256 GB इंटरनल स्टोरेज और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट। तो ये था इन्फिनिक्स जीरो 5G 2023 टर्बो क्वांटम मेनिया। वैसे आपको ये फोन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।